रोल्स रॉयस दुनिया भर के सबसे प्रसिद्ध कारों में से एक है। शायद ऐसा कोई कार लवर होगा जिसे रोल्स रॉयस के बारे में ना पता हो। इन कार्स को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रोल्स रॉयस बोट टेल से रिलेटेड 14 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो कृपया बने रहे इस वीडियो के अंत तक। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सके। नंबर 14, रोल्स रॉयस बोट टेल को डिजाइन किया था एलेक्स इनिस ने, और ये रोल्स रॉयस कंपनी के हेड ऑफ कोच बिल्ड डिजाइनर है। नंबर 13, रोल्स रॉयस बोट टेल को स्विफ्ट टेल से इंस्पायर होकर बनाया गया है, यानी कि बोट टेल स्विफ्ट टेल का अपग्रेडेड वर्जन है और इस कार को बोट की शेप में डिजाइन किया गया है। नंबर 12, इस कार को रोल्स रॉयस द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे महंगे मॉडलों में गिना जाता है, जिसका प्राइस है $28 मिलियन, यानी कि 205 करोड़ रुपए। इससे पहले स्विफ्ट टेल रोल्स रॉयस द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे महंगे मॉडलों में से एक था। नंबर 11, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोल्स रॉयस अपने हर एक कार को हाथों से बनाती है। एक कार को बनाने में कम से कम 6 महीने तक का समय लग जाता है, लेकिन बोट टेल को बनाने के लिए पूरे 4 साल का समय लगा। नंबर 10, इस मॉडल की सिर्फ 3 कारों को ही बनाया जाएगा, जिसमें से एक कार बनकर रेडी हो चुकी है। इस कार को खरीदने वाले कपल, जो कि अमेरिका के पॉपुलर सिंगर्स में से एक है, और उनके नाम कुछ इस प्रकार है, बियॉन्स एंड जेजी। नंबर 9, बोट टेल के इंटीरियर्स में यूज किए गए लेदर को ब्रिटिश की कंपनी कॉनोनी लेदर ने बनाया है, और इनके लेदर को गुल के खाल से बनाया जाता है। नंबर 8, ये कार 4 सीटर है, यानी कि इस कार में 4 लोग बैठ सकते हैं, जिनकी सीट्स को काफी लग्जूरियस और काफी आरामदायक बनाया गया है। नंबर 7, इस कार में 15 स्पीकर का सराउंड साउंड सिस्टम दिया गया है। इस सिस्टम को कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई किया गया है, जिससे कार का प्लेटफॉर्म साउंड बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 6, इस कार में 6.75 लीटर का ट्विन टर्बो V12 इंजन लगाया गया है, जो कि 563 तक का हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ये वही इंजन है जो कि रोल्स रॉयस फैंटम, कलीन और ब्लैक बैच में भी लगाया गया था। बात करें इस कार के टॉप स्पीड की, तो वो है 260 किलोमीटर पर आवर। नंबर 5, इस कार की लंबाई लगभग 19 फीट है, जिसे एक यॉट के शेप में डिजाइन किया गया है। इस कार के फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर और साइड सील्स को बनाने के लिए कार्बन फाइबर का प्रयोग किया गया है, जो कि इस कार को और भी लग्जूरियस बना देती है। इस कार में ब्राइट ब्लू कलर और डार्क ब्लू कलर का शेड दिया गया है। नंबर 4, इस कार के ओनर को वाइन का काफी शौक है, जिस वजह से इस कार में 2 फ्रीजर दिया गया है, एक कार के पीछे और एक कार के अंदर। नंबर 3, इस कार का पिछला हिस्सा यानी कि डेक किसी तितली के पंख की तरह खुल जाता है, जिसमें आपको अंडरकवर स्टोरेज मिल जाता है। जरूरत पड़ने पर इस कार के पिछले डेक को किसी कपल रेस्टोरेंट की तरह यूज किया जा सकता है, यानी कि इस कार के रियर डेक में बैठकर खाना खाने से आपको ऐसा फील होगा मानो आप किसी लग्जूरियस होटल में बैठकर खाना खा रहे हो। नंबर 2, इस कार के ओनर को वॉचेस का भी काफी शौकीन है, जिस वजह से रोल्स रॉयस ने स्विट्जरलैंड की मशहूर घड़ी निर्माता कंपनी बोवेट को इस कार के लिए 2 लग्जूरियस वॉच बनाने को कहा, एक डैशबोर्ड के लिए और एक पीछे वाली सीट के लिए, और इन वॉचेस की कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा है। इस घड़ी की खासियत यह है, जरूरत पड़ने पर इसे हाथों में भी पहना जा सकता है और चेन लगाकर इसे गले में भी पहना जा सकता है। नंबर 1, इस कार के रूफ को यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर खोला भी जा सकता है। बाकी गाड़ियों की तरह बोट टेल के रूफ में भी स्टार लाइन हेडलाइट्स का प्रयोग किया गया है, जो कि रात में तारों को रिक्रिएट करते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।